और ये वही गंगा सागर है जिसकी मान्यता लगभग राम जी और सीता जी के समय से, उस काल से चलती आ रही है। कल तिलक महोत्सव भी मनाया गया, उसके बाद आज शाम में यहाँ पे गिधाड़ी मटकोर किया जाएगा। और आपको फिलहाल हम तस्वीरों में दिखा दें कि यही वो गंगा सागर है जिसकी इतनी ज़्यादा मान्यता है कि आज शाम होते ही यहाँ पे लोगों की खड़े होने की जगह नहीं बचेगी, इस कदर का भीड़ यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। मन पर्वत भी आज शाम में यहाँ गिधाड़ी मटकोर देखिएगा, और अभी से बैठे हुए हैं शाम के इंतजार जी, शाम के इंतजार। और कल विवाह इस पवित्र जगह, इस गंगा सागर की पवित्र जगह पर आप लोग देख सकते हैं कि दारू बियर की बोतलें किधर, देख सकते हैं कि एक दो दारू का बोतल ही फेंका हुआ, तो बस। लेकिन इस तरह के पवित्र जगह को इस तरह से दूषित नहीं किया जाए। एक बार यहाँ के प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि इस चीज पे एक उचित दंड रखा जाए कि जो इस तरह का कचरा फैलाते हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। विवाह पंचमी कल है और अभी हम लोग जनकपुर धाम के गंगा सागर पे मौजूद है, और ये वही गंगा सागर है जिसकी मान्यता लगभग राम जी और सीता जी के समय से, उस काल से चलती आ रही है। ये पीछे गंगा सागर का तालाब है जहाँ दूर दूर से जितने भी तीर्थ यात्री और जितने भी दर्शन करने लोग आते हैं इस जगह पर स्नान करके यहाँ से जल लेके जाते हैं। और यहाँ आज शाम में यहाँ गिधाड़ी मटकोर होगा और सीता जी का विवाह पंचमी जो कल है उसका प्रक्रिया आज यहाँ से शुरू किया जाएगा। कल तिलक महोत्सव भी मनाया गया, उसके बाद आज शाम में यहाँ पर गिधाड़ी मटकोर किया जाएगा और यहाँ से ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। राम जानकी मंदिर पे जाएगा, जानकी धाम पे जाएगा, वो जो जनकपुर धाम आपको हमने पिछले वीडियोस में दिखाया वहाँ पे। फिर कल विवाह पंचमी के दिन विवाह का तमाम प्रक्रिया पूर्ण होगा, जिसको देखने के लिए देश के तमाम कोनों से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। आपको फिलहाल हम तस्वीरों में दिखा दें कि यही वो गंगा सागर है जिसकी इतनी ज़्यादा मान्यता है कि लोग इसमें स्नान करने के लिए भारत के कोने कोने से जनकपुर धाम आते हैं और इसमें स्नान करके अपना मनोकामना और उसके बाद जनकपुर धाम जाके सीता जी का विवाह पंचमी कल देखेंगे। आज शाम होते ही यहाँ पे लोगों की खड़े होने की जगह नहीं बचेगी, इस कदर का भीड़ यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, कई लोग यूपी से चल के जनकपुर धाम आए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। जिला बलरामपुर। कहाँ से? यूपी से। हाँ। यूपी के किस जगह से? जिला बलरामपुर। पहली बार आए हैं किसी? पहले भी आ चुके हैं? अगले साल भी हम लोग आए। पिछले साल भी आए थे। पिछले साल आए तो क्या ऐसा मन में खुशी मिला जो इस साल फिर आ गए? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो अभी डायरेक्ट यहाँ आए हैं किसी? पहले भी कहीं गए हैं इधर आसपास में? कहीं आसपास में घूमे हैं? कहाँ कहाँ अभी तक जा चुके हैं आसपास में? आसपास में धामसा धाम भी जा चुके हैं, परशुराम पोखरा भी जा चुके हैं, मन पर्वत भी देख लिया। आज शाम में यहाँ गिधाड़ी मटकोर देखिएगा। हाँ। और अभी से बैठे हुए हैं शाम के इंतजार जी, शाम के इंतजार। और कल विवाह पंचमी देखने के लिए भी रुकिएगा जी। अब कल देखकर यहाँ से परसों जाएंगे। यहाँ जहाँ से आए हैं लगभग कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? अब वो तो बहुत काफी पड़ जाता है। काफी पड़ जाता है। पिछले साल आए, इस साल फिर आए, क्या लगता है अगले साल फिर आइएगा? अगले साल फिर आएंगे। आएंगे। पिछले साल आए, मन में ऐसा खुशी मिला इसलिए इस बार फिर से आए। इस गंगा सागर की क्या मान्यता है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं? यहाँ से आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है। एक पेड़ के नीचे काफी सुकून से बैठे हुए और सामने ये शीतल जल का नजारा देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कल विवाह पंचमी पे क्या शुभकामना लोगों को देना चाहेंगे? श्री राम के भक्त को क्या कहना चाहेंगे कल के विवाह पंचमी के? भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अच्छा, व्यवस्था कैसा है यहाँ? बहुत अच्छा व्यवस्था है जी। किसी तरह का कोई परेशानी अभी तक यहाँ पे? कोई परेशानी नहीं। यहाँ की प्रशासन जो है काफी कोऑपरेट कर रही है यात्रियों के साथ जी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भारत के तमाम कोनों से, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, या ना जाने भारत का कौन सा ऐसा अंग होगा जहां से लोग इस जगह पर नहीं पहुंचते होंगे। अभी तो ये जगह आपको फिलहाल बहुत खाली खाली सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन शाम होते ही जैसे ही गिधाड़ी मटकोर का टाइम होगा, जैसे ही जनकपुर धाम से सीता जी का यहाँ गिधाड़ी मटकोर करने के लिए लाया जाएगा, उसके बाद लोगों की इस कदर की भीड़ यहाँ पर जमा होगी। कोशिश करेंगे कि शाम में भी वो चीज़ आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखा सकें। बस जो जो यात्री बाहर बाहर से आते हैं इस जगह पे, उनसे यही आग्रह करना चाहेंगे, आगे आइएगा थोड़ा, उनसे यही आग्रह करना चाहेंगे इस पवित्र जगह पे, इस गंगा सागर की पवित्र जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि दारू बियर की बोतल, शीशा, प्लास्टिक का रैपर जो खाने पीने के सामान होता है, इधर देख सकते हैं कि एक दो दारू का बोतल ही फेंका हुआ, तो बस यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग दूर दूर से अगर आ रहे हैं तो अपने होटल प्रांगण में या फिर जहां रुके हैं उस जगह ही खाइए पीजिए, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह के पवित्र जगह को इस तरह से दूषित नहीं किया जाए। एक बार आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी यहाँ पर फैलाया गया, और यहाँ पे के लोकल लोग नहीं फैलाते होंगे, जो यात्री आते होंगे वही फैलाते होंगे, क्योंकि लोकल लोग इस चीज़ की सभ्यता और इस चीज़ का महत्व जानते हैं। तो उन लोगों से यही आग्रह करना चाहेंगे और यहाँ के प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि इस चीज़ पे एक उचित दंड रखा जाए कि जो इस तरह का कचरा फैलाते हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए।
सके, बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय हिंद।